अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक से होंगे। आज सुबह मेरे पास मैसेज आ गया करीब 7 बजे बॉस का कि 3 बजे आपको ऑफिस आना है क्योंकि ऑफिस में मीटिंग है, और देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। जनरली हर 15 तारीख के बाद एक बार मीटिंग रखी जाती है ताकि हम नेक्स्ट प्लानिंग कर सकें आगे आने वाले मंथ्स के टारगेट्स के बारे में, तो उस पर बात होगी। और बीच में मुझे 2-4 कोरियर हैं जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड हैं, उसको मुझे डिस्पैच करना है। वो भी बड़ा चैलेंजिंग है कि कैसे वो मैनेज करूँ, क्योंकि आज अगर मैंने नहीं किया तो क्लाइंट को टाइम पर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एग्जीबिशन है। तो पहले मैं जाऊँगा लक्ष्मी नगर में एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, वहाँ से मुझे एक चेक लेना है कंपनी का। फिर मैं जाऊँगा अपने टायर के पास जो मेरे फैब्रिक्स को और मेरे सूट्स को वो प्रेस करता है, वहाँ से मैं कपड़ा उठाऊँगा। और फिर मैं जाऊँगा लॉजिस्टिक पर्सन के पास, वहाँ जाने के बाद मैं उसे कुरियर करूँगा और ठीक मैं वहाँ से पकड़ूँगा मेट्रो, और मेट्रो से मैं जाऊँगा राजेंद्र प्लेस अपनी कंपनी जहाँ पे मुझे मीटिंग करनी है बॉस के साथ। लेट्स सी, आज का शेड्यूल ये है, होप सो मैं मैनेज करूँगा आपके साथ ऑल द डे ताकि मैं आपके साथ दिखा सकूँ किस तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप ऑफिस के साथ साथ बिजनेस को संभालते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को डिमांड होती है कि आज ही आपको ये करो नहीं तो मुझे टाइम पर नहीं मिलेगा। फिर बहुत चैलेंजिंग होते हैं कि किस तरीके से आप काम टाइम को निकालो अपने बिजनेस के लिए इन बिटवीन योर ऑफिशियल जॉब। सेल्स में हो तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मुझे कि फील्ड में रहते हुए मैं ये काम कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या चैलेंजेस होंगे। फ़िलहाल तो मैंने अभी कपड़े प्रेस किए हैं और अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने, इसके बाद स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी। ठीक है, ठीक है। हाय, मैं हो गया हूँ तैयार फुल्ली फ्लैश जैकेट के साथ, स्वेटर के साथ, बस अपनी वाइफ को खुदा हाफिज कहने आया हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे मेरी वाइफ जॉब करती हैं, मैं इनके बारे में बताऊँगा किस फील्ड में है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मेरी बेटी अभी सो रही है। इन्जॉय द लाइफ, अभी तो फिलहाल इन्जॉय करो। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये है मेरा बैग, आज थोड़ा भारी है क्योंकि इसमें कुछ कपड़े हैं जो मुझे देना है रास्ते में। चाबी रख लिया, मेरा सनग्लासेस भी आ गया है। अब चलते हैं। क्या हाल चाल जी? ठीक है सर। किसी भी
क्लाइंट के पास या जो आपका पर्पस है, बहुत मुश्किल हो गया है दिल्ली में आज, बहुत ज्यादा 3-4 सालों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। गवर्नमेंट काम तो कर रही है लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस टाइम मैं रास्ते में हूँ, ये मयूर विहार के आसपास का लोकेशन है और मैं यहाँ पे नारियल पानी पीने रुका हूँ क्योंकि भाई साहब 60 का दे रहे थे, मैंने बोला कि भाई 50 का मिल रहा है आजकल। देखिए भाई, सबसे स्वादिष्ट फैट फ्री हम लिक्विड कह सकते हैं। मैं नारियल पानी का मज़ा लेता हूँ जब तक, इंजॉय करें। अब इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से मलाई है, तो मैं इससे बोलूँगा कि इसे काट के मलाई निकालें। मलाई पीते हैं, सॉरी खाते हैं, मलाई खाते हैं। कि मैं डेली लेता हूँ, डेली इसे लेता हूँ ताकि, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेट के लिए भी अनहाइजेनिक है कोई भी फास्ट फूड, तो मैं नारियल पानी हमेशा डेली पीता हूँ। मैं इसके बारे में बताऊँगा अलग से कि इसे क्या बेनिफिट्स हैं। फिलहाल देखिए सर भी पी रहे हैं नारियल पानी। ठंडा मौसम है, गर्मी में ये कम से कम 60-70-80 तक जाता है इसका रेट। अभी सर्दी चल रही है तो डेफिनेटली रेट थोड़ा कम हो गया है, तो 50-60 बोलता है लेकिन सेल्स के बंदे हैं भाई, बिना निगोशिएशन के कुछ काम चलता नहीं है। जनरली आपको 50 का हर जगह मिलता है लेकिन कोई 60 का बोलता है। ग्राहक की मर्जी है, ग्राहक सेट हो गया तो 60 में भी पी लेता है। जो हमेशा पीते रहते हैं तो निगोशिएट करते हैं, भाई मुझे 50 में मिलता है तो आपको 60 में दे रहे हो। गाज़ियाबाद में जब जाता हूँ तो ये देखिए, गाज़ियाबाद में जब जाता हूँ तो वहाँ पे 40 का मिलता है। वहाँ फल मंडी है, वहाँ पे वो चिल्लाते रहते हैं 40 के, 41 का, 41 का। अब देखिए, अब मैं इसको खाता हूँ, इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम, मतलब कि कॉलेज बिल्डिंग से आधा किलोमीटर पहले ही ये आपका मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी, वहाँ से इतना बड़ा ट्रैफिक है। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे ख्याल से इसे क्रॉस करते करते मुझे लगेगा 1 घंटा, और उसके बाद आरिफ भाई के यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगा। मेरे ख्याल से जाना ठीक नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे क्लाइंट को आज किसी भी हालत में कुरियर करना है, ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद वहाँ से अगर वाइंड अप भी होता है तो मेरे ख्याल से 7-8 बज जाएंगे, तो शायद उस टाइम मैं ट्राई करूँगा कि शाम के 8 बजे मैं आरिफ भाई के यहाँ जाऊँ, वहाँ से पैकेट उठाऊँ, वहाँ से मैं ट्रेन उठा के लॉजिस्टिक ऑफिस जाऊँगा, वहाँ पर पैकिंग करूँगा, तब मैं डिस्पैच कर सकता हूँ क्योंकि लॉजिस्टिक वाला भी लगभग 10 बजे तक सारा वाइंड अप कर देता है। जो भी प्रोडक्ट भेजना है वो सारा प्रोडक्ट 10 बजे तक चला जाता है। इस वक्त जाना मेरे लिए शायद चैलेंजिंग होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि मैंने बताया था कि DND में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सारा ट्रैफिक इस साइड आ रहा है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मैं तो फंस चुका हूँ। सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊं या ना जाऊं।
मैंने अब गाड़ी मोड़ ली है, प्लान था उस प्लान के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप लेकिन इधर से जाऊँ देखना पड़ेगा। क्या बंदे ने गाड़ी मोड़ी है, एकदम एंड पॉइंट पे लाके इंडिकेटर दिया है, इसी की वजह से एक्सीडेंट होता है। इंडिकेटर हमेशा हमेशा 10 सेकंड या आई थिंक 20 सेकंड पहले देना चाहिए, ताकि जो पीछे से आपको पेनली चल रहा है आपके साथ उसको एक इंडिकेशन मिल जाए कि अब आप आगे गाड़ी टर्न लेने वाले हो राइट या लेफ्ट। संभल के चलिए क्योंकि रोड पे आप मान के चलो बॉस कि आप अगर सही नहीं चलोगे तो पर डिपेंडेंस रखोगे कि सामने वाला बंदा सही चला रहा है गाड़ी, तो आप भूल जाओ सामने वाले को बेवकूफ समझो कि वो नहीं चला रहा सही गाड़ी, आपको संभल के रहना है तभी आप बच पाओगे, चाहे कोई भी हो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें और सही चलाएं। और सेल्स पे तो खास तौर से हम लोग इतना ट्रेवल करते हैं, इतना रिस्क लेते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि कितना रिस्क कितना अचानक उस गाड़ी वाले ने इंडिकेटर दिया और बोर्ड लिया। सेल्स जॉब इज ऑल्सो रिस्क जब आप रोड पे चलते हो, बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत पीछे रिलेशन होते हैं, प्लीज अपना आप पर ख्याल रखिए, संभाल के चलाइए, कोई ना होती है जल्दी जाने की, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपने आप से चलाओ, अच्छे से चलाओ, लेट पहुंचो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सही सलामत पहुंचो, यही मेरा कहना है सारे उम्मीदों से जो सेल्स की जॉब कर रहे हैं, प्लीज दे डोंट नीड टू बी हरी, आराम से चलाइए। अब बहुत लोग तो ऐसे होते हैं बंदे कि भाई मोबाइल पे देख रहे होते हैं, इतना खास मोबाइल पे होता है और रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, कितनी बार मेरे साथ हुआ। अब मैं आ गया हूँ बॉटनिकल गार्डन, पहले मैं पेट्रोल भराऊंगा उसके बाद ही मैं कुछ आगे का सोचता हूँ। सोच रहा हूँ मैं वापस हो जाता हूँ क्योंकि पेट्रोल भी है नहीं, रिजर्व में चल रही है एक दिन से। अब मैं चलता हूँ पहले पेट्रोल भरा लेता हूँ, थोड़ा सा रोड के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं क्योंकि अभी टाइम है ऑफिस के लिए, लेकिन अभी मुश्किल है जाना अपने काम के लिए। चलिए रिटर्न होने ख्याल से 4 से 5 दिन चल जाता है क्योंकि डेली का जो किलोमीटर जर्नी है वो मेरा लगभग 70 से 80 किलोमीटर, कभी कभी 100 किलोमीटर भी हो जाता है। आप लीटर हो चुके हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, भाई साहब से पेट्रोल भरा लेते हैं। आज सोचा कि पहले मैं चाय पी लूँ, तो अभी मैं फिल्म सिटी के साइड नोएडा में चाय पीने आया हूँ, चाय पीते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ इस वक्त मैंने गाड़ी सेक्टर 15 में खड़ी की है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए मुझे मेट्रो पकड़ना है। Thank you.
इंजॉय करते हैं। तो आपको देखा है मैंने कि अभी मैं डाइटिंग पे हूँ और 2 बज चुके थे, लंच का टाइम था, भूख बहुत लग रही थी, सोचा कुछ ना कुछ हाइजेनिक खाया जाए, तो मैंने चना लिया 10 रुपये का, वो खाया। अब मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, सेक्टर 15 ही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं हमेशा ऑफिस के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं रहता इंद्रपुरम में हूँ। वर्किंग करने के बाद मैं सेक्टर 15 इंद्रपुरम आया हूँ। ओह यहाँ तो भीड़ है अभी, खैर मेरे पास टाइम है, 3 बजे ऑफिस पहुँचना है। चलिए चलते हैं। ये देखिए राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन की भीड़, कितनी लंबी लाइन है। अब जा रहे हैं पीछे लगने, अब आधा घंटा तो लगेगा ही ऑलमोस्ट, कितनी पीछे लंबी लाइन है गेट के बाहर तक। और आगे जा रहे हैं मेरे 2 बॉस। ये है यहाँ से हो रही है शुरू लाइन। Hi everybody, मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है। कलंदी किंतु मैं सुबह गया था, ट्रैफिक आपने देखा कितना ट्रैफिक था वहाँ पे, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि जो आरिफ भाई से मिलना था वो मैं कल मिलूँगा सुबह। आई थिंक सुबह बेटर रहेगा ताकि मैं 6-7 के बीच में सुबह सारा वर्कआउट कर लूँ उसका, बिजनेस का, फिर मैं अपने ऑफिस ले जाऊँगा। अभी जाना मुश्किल है, चैलेंज है, क्लाइंट को टाइम पे कुरियर करना था पर नहीं हो पाया। फिलहाल चलते हैं फ्लैट तरफ अपने घर पे। नोएडा सेक्टर 12 में रुका हूँ और ये सामने आप लोग चाय वाला देख रहे हो, यहाँ पे मैं चाय पीऊँगा, स्पेशल चाय, वो भी 25 रुपये की देता है, थोड़ा सा लगता है मुझे, बट इसका स्वाद अच्छा है चाय का। चलिए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे घर की तरफ। लेट तो हो ही गया है लेकिन चाय पियेंगे। तो किसी भी नहीं आते हैं 25 रुपये में, घर जाने से पहले घर से अच्छा नहीं पी लेते हैं। ये देखिए आप चाय वाले की खासियत, तभी तो हम यहाँ आते चाय पीने, 25 रुपये की स्पेशल चाय, इनका न्यूज में आ चुका है, आप भी आइए और यहाँ पीजिए। दे दो भाई, और भाई तब भी पिलाओ यार।
काम कर रहे हैं। इतना ट्रैफिक 7:30 बजे रात में, आप सोच सकते हो कि क्या हालत हो जाती है। कल सुबह फिर जाना है हरी भाई के यहाँ सुबह 6 से 7 के बीच में, तो उम्मीद करता हूँ आप फिर मिलेंगे। और ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी सफ़र है जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताइए कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। शायद वो ज़रूरी है मेरे लिए। खुदा हाफ़िज़।